दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने आरसीबी को घुटनों पर झुका दिया और इस मुकाबले में बुरी तरह से धूल चढ़ा दी। वहीं आरसीबी की शर्मनाक हार के बाद बैंगलोर के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी टीम की हार का सबसे बड़ा कारण महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। तो चलिए बताते हैं आपको आखिरकार ग्लेन मैक्सवेल ने धोनी को लेकर क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया ये मुकाबला, जिसमें दोस्तों टॉस तो महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों आरसीबी की शुरुआत तो इस मुकाबले में इतनी शानदार रही और कोहली और देवदत्त पड़िक्कल ने पहले ही विकेट के लिए 111 रनों की साझेदारी करी। लेकिन दोस्तों उसके बाद आरसीबी की टीम इस मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत को बरकरार नहीं रख पाई और सिर्फ 156 रनों के स्कोर पर सिमट गई। लेकिन दोस्तों चेन्नई की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस ने बेहद ही शानदार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी के होश उड़ा दिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने कोहली के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 38 रन बनाकर आउट हुए और चिंता की बात तो यह रही कि फाफ डु प्लेसिस भी 31 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन एक साथ जब चेन्नई की दो विकेट गिरे तो उसके बाद मोइन अली और अंबाती रायडू ने मोर्चा संभालते हुए तेज गति से बल्लेबाजी करके दिखाई। उसके बाद दोस्तों मोइन अली 23 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अंबाती रायडू ने भी 32 रन बनाए और बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अपनी टीम को 18.1 ओवर में जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मिली करारी हार के बाद ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरसीबी की टीम की हार का मुख्य कारण तो कहीं ना कहीं धोनी की कप्तानी रही है, क्योंकि हमारी टीम को शुरुआत बेहद ही शानदार मिली थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम इस मुकाबले में कम से कम 200 रन तो आसानी से बना लेगी। लेकिन उसके बाद धोनी ने अपनी चतुराई भरी कप्तानी का प्रयोग करते हुए गेंदबाजी में ऐसी तब्दीलियां करी जिसके बाद विराट कोहली आउट हुए और उसके बाद तो रन गति पर ऐसी लगाम लगी कि अंतिम 10 ओवर में सिर्फ 66 रन ही खिलाड़ी बना सके। जबकि अंत में मैंने तेज गति से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन धोनी जिस तरह से गेंदबाजी को लीड कर रहे थे तेज गति से रन मैं नहीं बना पाया, जिसकी वजह से हमारी टीम सिर्फ 156 रन के स्कोर पर ही रुक गई। लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी ही थे जिन्होंने गेंदबाजी में ऐसा परिवर्तन किया कि हमारी टीम ने रन ही नहीं बना पाए, जिसकी वजह से गेंदबाजों में वो जज्बा देखने को नहीं मिला और मैदान छोटा था। अगर गेंदबाज शुरुआत में विकेट निकालने में कामयाब रहते तो शायद इस मुकाबले में वापसी हो सकती थी, लेकिन हमारी टीम की हार का मुख्य कारण तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी रही, जिन्होंने इस हारे हुए मुकाबले में भी हमारी टीम को हार थमा दी। लेकिन दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरह से हार का ठीकरा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर फोड़ा है, आप सभी को क्या लगता है कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले में किसकी वजह से हारी है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।